फॉग लाइट के साथ आती है, डे टाइम रनिंग लाइट आती है। इसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 6,000 रुपीज़। मतलब कि 3,000 ग्रिल का हो गया और 3,000 अपना क्रोम का हो गया। कुछ अपना लेबर के साथ जो भी सामान हम बताते हैं लेबर के साथ रहता है। 18 इंची का महिंद्रा का जेन्युइन और इसकी क्या कॉस्टिंग बैठेगी अपनी? कॉस्टिंग पड़ेगा भैया अलॉय का कॉस्टिंग है 52,000 रुपीज। ठीक है, और आप 3,000 रुपीज मान ली। 3,000 कोडिंग के साथ? कोडिंग के साथ वन की। अच्छा, तो भाई ये वर्किंग जरा चेक कर सकते हो भाई। तो भाई मेरे को एक बात बता दो, जैसे कि हम इतना पार्ट लगाते हैं महिंद्रा जेन्युइन का, बाई चांस अगर ना निकले तो भैया गाड़ी जितने की आपकी गाड़ी है, जितने का काम किया उसका पैसा वापस सारा। तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे ऑटो ड्रीम का एस सीरीज में। और भाई आज हमारे पास आई थी स्कॉर्पियो एंड Z2 मॉडल लेने वाला है भाई। हाँ जी भैया। संदेश भाई Z2 या Z4 पहले कंफर्म करो भाई। Z2 मॉडल है भैया, एकदम बेस मॉडल। बेस को क्या बना दिया इस बार? एकदम टॉप बना दिया, टॉप ही बना दिया, हर बार की तरह टॉप मॉडल बना दिया। तो संदेश भाई इसमें क्या स्पेशल करा इस बार, इंटीरियर या कुछ? कुछ इंटीरियर भी हुआ है, एक्सटीरियर भी। एक्सटीरियर में A to Z काम हुआ है भैया, एक्सटीरियर में आगे फॉग लैंप ग्रिल से सब कुछ। मतलब कि एक्सटीरियर में एकदम टॉप है, और इंटीरियर में भी टॉप ही है लगभग। चलो भाई तो फिर स्टार्ट कर दो भाई, क्या क्या काम हुआ और कैसे काम हुआ? अपना लगाया मोस्ट डिमांडेड चीज जो रहने वाली है फॉग लैंप, महिंद्रा का रहने वाली है। ठीक है, फॉग लैंप के साथ आती है, डे टाइम रनिंग लाइट आती है। इसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 6,000 रुपीज। मतलब लेबर फिटिंग वगैरह सब कुछ आ गया, सब कुछ करवाते हो तो सब कुछ आ गया। ठीक है भाई, 6,000 रुपए में भाई बैठने वाला अपना फॉग लैंप जो की रहने वाला एकदम महिंद्रा का जेन्युइन। इसमें कॉपी भी आ गया, कॉपी भी आ गई है। उसका पहचान? पहचान भैया कॉपी आ गई है, उसमें ये DRL नहीं रहती है, बेजल उसका दूसरा अजीब सा दिखता है, देख के पता चल जाएगा। मतलब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो और ऊपर आ जाते थोड़ा सा। हेडलाइट में अपना लगा है हाई पावर का LED लगा है, 180 वाट। ठीक है, 180 वाट लो बीम में, 180 वाट हाई बीम में। ठीक है भाई, अपना इसका क्या प्राइसिंग? और इसका प्राइसिंग रहने वाला है भैया 3,000-4,000 से स्टार्ट है पर पेयर। अच्छा, उसके ऊपर आप जितना जाओ आपको 10,000-11,000 रुपए में बहुत अच्छे से अच्छे मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे। और उसकी वारंटी 2 ईयर वारंटी ऑन काउंटर रिप्लेसमेंट, ऑन काउंटर है भाई। ये बढ़िया सही सिस्टम बताया। ठीक है भाई, और आगे की तरफ आ जाते हैं भाई थोड़ा सा। अपना ग्रिल पियानो हुआ है। ठीक है, और प्लस में 7 स्लॉट ग्रिल भी लगाया है, जो कि 6 पीस से नीचे रहता है, 1 पीस ऊपर वाली है। भाई फिनिशिंग जरा चेक कर सकते हो आप, ये देख लो कितना हाई ग्लॉस है, कैमरे में देखो आप भाई एकदम। भाई इस मतलब कि ये जो ग्लॉस है भाई अपना क्या रहने वाला है, मतलब पेंट रहने वाला है? हाइड्रो डिप रहता है भैया, हाइड्रो डिप। तो इसकी वारंटी अपनी? वारंटी लाइफ टाइम है हाइड्रो डिप की अपनी, जब तक गाड़ी है तब तक की वारंटी। तो इसकी क्या कॉस्टिंग बैठेगा? कॉस्टिंग पड़ेगा भैया 3,000 रुपीज प्लस 3,000 रुपीज। मतलब की 3,000 ग्रिल का हो गया और 3,000 अपना क्रोम का हो गया, सब कुछ महिंद्रा जेन्युइन। ठीक है भाई, और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं अपन, और थोड़ा सा नीचे अपना एक पेंट हुआ है स्किड प्लेट, अपना सिल्वर कलर का पेंट हुआ है। ठीक है, जब तक गाड़ी है तब तक की वारंटी रहती है। मतलब ये भी अपना 3 लेयर है, 3 लेयर पेंट रहता है, हाइड्रो डिप। हाइड्रो डिप, ठीक है भाई। और थोड़ा सा साइड में आते भाई, अपना साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। प्रोफाइल में अपना 18 इंची का अलॉय लगा है, ठीक है, C8 का टायर लगा है ऑल टेरेन, 18 इंची का महिंद्रा का जेन्युइन। और इसकी क्या कॉस्टिंग बैठेगी अपनी? कॉस्टिंग पड़ेगा भैया अलॉय का कॉस्टिंग है 52,000 रुपीज। ठीक है, और आप टायर कौन सा लेते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी टायर कितना चला हुआ है। अच्छा, और अपना अगर 17 इंची लेते हो? 17 इंची लेते हो स्टॉक टायर में ही हो जाती है। ठीक है, और उसका कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 42,000-43,000। अच्छा, मतलब 42 तक पड़ जाएगा अपने। ठीक है भाई, तो भाई टायर से रिलेटेड अपना दिखा दिया था भाई, टायर के बाद अपना आया भाई अपने मिरर के ऊपर भाई, मिरर भी अपना साइड मिरर भी चेंज हुआ है भैया। ठीक है, फुल रहने वाली है, मतलब कि वे तो की के साथ वर्किंग है, देख सकते हो। मतलब अपने की में भी कोडिंग वगैरह करी है, की कोडिंग हुई है इस गाड़ी में। ठीक है भैया, 3,000 रुपीज़ मान ली। 3,000 कोडिंग के साथ? कोडिंग के साथ वन की। अच्छा, मतलब दो की लेंगे तो 3,000-6,000 रुपीज़ लगे। अच्छा, अलग अलग है मतलब की। ठीक है भाई, तो फोल्ड अपना ऑटो फोल्ड जो हुआ है इसका क्या कॉस्टिंग बैठेगा? 11,000 रुपया विद फिटिंग, रिले उले सब कुछ, बाहर से सेंटर लॉक से लॉक करके। और ये जो ऊपर का कैप होता है जो अपना, वो कैप अपना व्हाइट गाड़ी है तो पेंट करवाना पड़ता है, उसका कॉस्टिंग 1,500-2,000 रुपया पड़ता है, इसका अलग है। तो अपना अंदर से भी अपना स्विच बोर्ड वगैरह चेंज करके सब कुछ हो गया? कुछ करके भैया। अच्छा, ये सब कुछ करके बता रहे हो भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। ठीक है भाई, और अपना है भाई हैंडल डोर की तरफ आ जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर वाली, रिक्वेस्ट सेंसर ऑन नहीं रहती है, डमी रहती है ये। ठीक है, टॉप मॉडल वाली हैंडल का कॉस्टिंग आपको पता है 4,500 रुपया। अच्छा, आप पेंट करवाते हो रो पीस में आती है, पेंट करवाते हो उसका पैसा अलग से आपको देना। मतलब कि रो पीस कैसा होता है? रो पीस जैसे कि भैया ब्लैक कलर में आती है, जैसे स्पॉइलर आता है वैसे ही, मतलब मैट फिनिश टाइप में। अच्छा, अपने को कलर कराना पड़ता है? कलर करवाना भाई, कलर का मैं क्वालिटी आपको चेक कराऊँ ना, जरा दूर से देखो आप, जरा फिनिशिंग चेक करो भाई। भाई ऐसी कुछ क्वालिटी रहने वाली है एकदम, मतलब कि पता नहीं सकते भाई कि पेंट हुआ है या क्या हुआ है एकदम। तो भाई ये कुछ फिनिशिंग रहने वाली है, अपना पेंट का भी खर्चा अलग बैठेगा? पेंट का खर्चा अलग बैठेगा, उसका 4,500 का टॉप मॉडल वाला हैंडल, अब पेंट जो गाड़ी रहेगा वो कलर में करवाना पड़ेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा और ऊपर आ जाते भाई अपना। ऊपर अपना विंटो क्रोम लगा है भैया, जो कि 3 पीस है, 3-6 पीस के रहने वाली है। ठीक है, और उसमें जो 4 पीस है वो रिप्लेसमेंट पार्ट रहती है, जो कि मतलब वन और टू दोनों डोर के। ठीक है, पेज से टाइट होता है प्रॉपर, देख सकते हो आप, चमकाने वाला कोई आइटम ही नहीं है। ये देख लो भाई पेज, मतलब प्रॉपर पेज लगता है दोनों चारों डोरों में। हाँ जी,
और लास्ट वाली चीप पीस की बात करें तो ठीक है, अपना पेस्टिंग आइटम रहता है, पूरा पेस्टिंग आइटम रहता है। तो महिंद्रा का जेनुइन एसेसरीज में आती है, ठीक है, ये अपना रिप्लेसमेंट पार्ट में, रिप्लेसमेंट पार्ट में आती है। तो भाई इसका क्या कॉस्टिंग बैठेगा भाई? इसका कॉस्टिंग बढ़ेगा भैया 5500 महिंद्रा जेनुइन भाई। तो भाई मेरे को एक बात बता दो, जैसे कि हम इतना पार्ट लगाते हैं महिंद्रा जेनुइन का, बाई चांस अगर ना निकले तो? ना निकले तो भैया गाड़ी जितने की आपकी गाड़ी है, जितने का काम किया उसका पैसा वापस, सारा पैसा जी, और काम करा हुआ रहेगा, ना निकले या जो बंदा प्रूफ कर दे। अच्छा, ये लोकल सामान है, लोकल सामान है, मतलब इतना जेन्युइन सामान। बंदा अगर हमारे यहाँ से गाड़ी नहीं, कस्टमर ही नहीं, हमारे यहाँ से गाड़ी रेडी हो रही है या जा रहा है, और कोई बंदा के लोग भैया लोकल आप लगा रहे हो, आके बोल सकते हो, आके बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, मतलब 5500 का अपना विंडो गार्निश है, ठीक है भाई। रूफरेल की बात करें, रूफरेल लगा अपना नट बोल्ट वाली जो गाड़ी मिल जाए। भाई गाड़ी देख रहे हो कैसे, नीचे से दिखाओ भाई दोबारा, इलाना टायर देखना जरा कैसे, ये देखो भाई ये एकदम स्टडी कर दिया एकदम पूरा। कितने का पड़ जाता है भाई अपना रूफ रेल? कॉस्टिंग रहने वाला है 6000 रुपीज़। 6000 रुपीज़ लेबर सब कुछ, विद लेबर और सब कुछ भाई। ठीक है, मतलब कि ग्रे अपने में ब्लैक का भी ऑप्शन होगा भाई, किसी लोगों को ब्लैक भी लगाना होता है वो भी सेम प्राइसिंग का है? ठीक है भाई, मतलब 6000 रुपये में भाई अपना ऊपर लग जाएगा। ठीक है भाई, और ऊपर आ जाते भाई अपने डोर वाइजर लग चुके हैं, वाइजर लगाया जो कि आफ्टर मार्केट रहने वाला है, गैलियो कंपनी का, गैलियो कंपनी का लिखा हुआ आता है रेड कलर से, जैसे अपना पीछे बैजिंग रहता है। ठीक है, स्कॉर्पियो एन का, तो इसका क्या कॉस्टिंग बैठेगा अपना? कॉस्टिंग अपना भैया ऐसे बात करें तो 700 से स्टार्ट है, 1200-1400 में अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। मतलब कि ये वाला गैलियो का है, ये देखो आप चेक कर सकते हो, ये गाड़ी हिल रही भाई पूरी ऊपर देखो, और ये पेस्टिंग आइटम है, पेस्टिंग आइटम है, मतलब इतना तेज पेस्टिंग होता है भाई इसका, है काम ही अपना ऐसा है भाई, मतलब ये गैलियो कंपनी ओरिजिनल है, कंपनी का। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई अपना, नीचे अपना फुटलेस लगा है। ठीक है भाई, महिंद्रा जेनुइन भाई, इस पे चढ़ के दिखाओ भाई, इस पे भी 3-4 बंदे कर सकते हो टशनबाजी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा टशनबाजी कर सकते हैं। और इसका क्या कॉस्टिंग? इसका कॉस्टिंग 5000 रुपीज़, मतलब कि विद लेबर वगैरह सब कुछ हो गया, कुछ अपना लेबर के साथ जो भी सामान हम बताते हैं लेबर के साथ रहता है, कोई उसमें ऊपर चार्ज नहीं है एडिशनल भाई। ये बढ़िया बात बताई आपने, अपना साइड लाइनिंग की बात करें तो ये भी अपना 3 लेयर पेंट हो गया। ठीक है भाई, पेंट और फिनिशिंग दोनों चेक भाई, ये देख सकते हो भाई जरा, दोनों डोरों, चारों डोरों पे हो गया, चारों डोरों पे। ठीक है भाई, ये भी अपना 3 लेयर, और जब तक गाड़ी है जब तक की गारंटी। ठीक है भाई, थोड़ा बैक प्रोफाइल में आते हैं भाई, बैक प्रोफाइल में आ जाता है तो भैया सबसे पहले अपना लगा है स्पॉइलर, ठीक है, कलर सब कुछ चेक कर सकते हो, महिंद्रा जेनुइन रहने वाली है भाई, ये देख लो भाई। और ये देखो गाड़ी देखो कैसे हिल रही है, अभी पेस्टिंग वाला कोई आइटम नहीं, पेस्टिंग वाला आइटम नहीं, सारा पेच वाला आइटम है। तो भाई पेस्टिंग की क्या पहचान होती है? जब लोग की पहचान आती है भैया, जो उसमें चार, यहाँ पे चार नट बोल्ट के साथ आती है, ठीक है, पेस्टिंग वाले में खाली टेप लगा हुआ आता है, टेप लगा हुआ आता है, ठीक है, और उसमें वो लोगो भी नहीं होता, महिंद्रा नहीं होता है महिंद्रा का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अपना वाइपर लगा है जो कि वर्किंग रहने वाला है, वर्किंग के साथ, मतलब वॉशर वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। इसकी क्या कॉस्टिंग बैठेगी भाई अपनी? बढ़ेगी भैया 6500 रुपीज़ विद लेबर, विथ लेबर, और अंदर स्विच वगैरह सब कुछ वो भी लगा के भाई जी। अच्छा, उस स्पॉइलर का तो खर्चा पूछा ही नहीं भाई, स्पॉइलर स्पॉइलर का खर्चा आपको पड़ जाएगा 4500-4500-6500। अच्छा, 4500 का लोकल वाला जी, और 6500 का ओरिजिनल वाला, ये महिंद्रा जेनुइन महिंद्रा वाला। ठीक है भाई, तो एक बार वाइपर की वर्किंग चेक कराता हूँ कैसा लगता है भाई। तो भाई ये वर्किंग जरा चेक कर सकते हो भाई, पूरा वॉशर एकदम प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर वाइपर चल रहा है अपना, देख सकते हो। और ये अपना ऑटो कट के साथ आता है भाई, इसको अभी जैसे ही बंद करेंगे देखना अपने आप नहीं आप जगह पे बंद होगा भाई, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। संदेश भाई बंद करना, ये देखो भाई, भाई मतलब ये अपनी जगह पे आके ही बंद होगा, ये बंद कहीं यहीं भी बंद करो तो वहीं पे जाकर रुकेगा, मतलब ये ऑटो कट का फीचर है। अगर ये बढ़िया वाला काम होता ना उसी में ही हो सकता है, उसी में ही हो सकता है, जो महिंद्रा का जेनुइन काम होगा ना भाई, ये फीचर उसी में होता तो उन्हीं में ही हो सकता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा नीचे आते हैं भाई, अपना नेम प्लेट के ऊपर कैमरा लगा है भैया, जिसकी क्वालिटी अंदर हम चेक करवा देंगे, ब्लो पंखा DA05 रहने वाला है, ब्लो पंखा हाँ। सबसे बढ़िया क्वालिटी हमारी दुकान पे इसी का ही है भाई, विद गाइडलाइन के साथ आता है, जैसे आपकी गाड़ी मुड़ेगी वैसे वैसे इसका गाइडलाइन मुड़ेगा, गाइडलाइन मुड़ेगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा और नीचे आते हैं भाई अपना, थोड़ा और नीचे आ जाए तो अपना क्रोम लगा है, जिसकी कॉस्टिंग 3 पीस में आती है, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगा 2800 रुपीज़। ठीक है, ओके, ठीक है। नीचे अपना स्किप प्लेट भी चेंज हो गया है, अच्छा, 3 लेयर पेंट वाले जैसे आगे आगे हुआ था। ठीक है, उसके बाद करें तो आफ्टर मार्केट अपना रिफ्लेक्टर रहने वाला है, रिफ्लेक्टर भी अपना चेंज हो गया है, जिसमें इंडिकेटर सब कुछ आती है। ठीक है भाई, तो भाई इसमें भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ इंडिकेटर वगैरह, मैट्रिक्स स्टाइल में इंडिकेटर रहने वाले, फ्लो में जो चलते एकदम, और देख सकते हो प्रॉपर एक एक LED दिख रही होगी आपको, प्रॉपर LED के साथ रहने वाला है। तो भाई इसका क्या कॉस्टिंग बैठेगा अपना? इसका कॉस्टिंग भैया बहुत तरीके के आ गए हैं, अच्छा, इससे अच्छे भी है, इससे अच्छा नीचे भी है। अपने स्टार्ट कितने में आता है इसका? आपको स्टार्ट तो कम से हो जाता है 3000 के रेंज में, आपको सुपर से ऊपर मिलेगा 3000 की रेंज में, बहुत अच्छा। वो जो एकदम वो मतलब की पूरा एनिमेशन टाइप दिखाता है प्रॉपर, वो वाला बता रहे हो आप, अच्छा। उसके बाद अपना डाइजेक्स कंपनी का रियर गार्ड लगा है, जो आप चेक कर सकते हो, दो बंदे चढ़ सकते हो भाई, ये देखो पूरी गाड़ी हिला सकते हैं, और ये देखो कंफर्टेबली खड़ा है एकदम,
तो भाई इस नहीं पड़ेगा भाई अपना इसका अपने पास और भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, सारे ब्रांड है, बहुत सारे 2500 से स्टार्ट होकर 4500 से 5500 तक का है। और बढ़िया से बढ़िया कितने का लग जाएगा? बढ़िया से बढ़िया आपको 5000 रुपए में सबसे बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो भाई अपन ने जितना मेरे को लग रहा है लगभग लगभग एक्सटीरियर से रिलेटेड अपन ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो भाई इंटीरियर से रिलेटेड और दिखाए थे कि क्या क्या इंटीरियर में हुआ है, और इंटीरियर भी इस बार सिंपल सोवर कर रहा है पर बढ़िया बहुत लग रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो भाई फटाफट इंटीरियर और दिखा देते हैं। तो भाई अपन आ चुके भाई इंटीरियर के अंदर, और भाई इंटीरियर कुछ ऐसा कुछ दिखता भाई। इस बार थोड़ा यूनिक कलर है और थोड़ा कस्टमर ने अपना कस्टमर का थोड़ा बजट भी मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि एक्सटीरियर में इतना खर्चा कर दिया तो डोर पैड में आपको लग सकता है थोड़ा बहुत। इसमें नेक्स्ट टाइम काम होने वाला है भैया, 4-5 दिन के अंदर, 4-5 दिन में दोबारा से आने वाली गाड़ी है, तो दोबारा थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग रह गया वो मेरे को दिख रहा है वीडियो के अंदर, पहले ही दिख गया होगा भाई। तो भाई संदीप भाई स्टार्ट कर दो, वैसे क्या क्या काम हो गया, जो भी काम हो अपना। पहले अपना सॉफ्ट टच लगाया भैया, सॉफ्ट टच देख सकते हो, इसका फिनिशिंग और क्वालिटी चेक कर सकते हो, ये रहा सॉफ्ट टच। हां भाई उंगली ऐसे दबा के रखना एक बार। हां जी ये देखो भाई, काम सभी करते हैं लेकिन फिनिशिंग का मैं दावा लेके चलता हूं कि अपना फिनिशिंग कोई नहीं देगा। उसके बाद बात करें तो अपना स्विच प्लेट चेंज हुआ है, स्विच वही रहने वाला है, महिंद्रा जेन्युइन अपना महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ग्रैब हैंडल भी अपना महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है। तो भाई ये अपने कौन सा कलर रहने वाला है, जैसे मेरे को लग रहा है कॉफी टाइप तो नहीं, चॉकलेट हो गया एक तरह से, चॉकलेट कॉफी बोल सकते हैं या चॉकलेट, चॉकलेट कलर बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपना ये हो गया अपना डोर से रिलेटेड और सारा महिंद्रा जेन्युइन पार्ट। उसके बाद अपना ए पिलर चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये अपना क्या कॉस्ट पड़ेगा भाई? ए पिलर पड़ता है भैया 1200 रुपए। 1200 रुपए, और कई बार तो आप ऐसे ही लगा देते, सुनने में आया था। दिक्कत ही नहीं भैया, कोई दिक्कत, 1200 इतनी बड़ी गाड़ी के लिए 1200 क्या मायने लगता, क्या मायने लगता है, सही बात है भाई। उसके बाद अपना सॉफ्ट टच हुआ है डैशबोर्ड पे। ठीक है, जो चेक कर सकते हो भाई, देख रहे हो उंगली, जैसे मैं जूम करता हूँ साहब, जरा उंगली देना है, देखो उंगली के पास में देखो गड्ढा फील होगा आपको, तो इसका मतलब समझते हो भाई, इसके अंदर पूरा प्रॉपर फोम। सॉफ्ट टच का मतलब यही है कि डैशबोर्ड खुल के ही सॉफ्ट टच होगा, ऐसा नहीं मार के बोस्टिक लगाएगा सूजी से, वो वाला नहीं है, वो लाइनिंग देख सकते हो, स्ट्रेचिंग देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट जा रही है, एकदम स्ट्रेट अपना, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप बात करें तो अपना इंटीरियर में बात करें तो अपना स्टूडियो भी चेंज हो गया है। ठीक है, और स्टूडियो फ्रेम का भी ग्लॉसी का ऑप्शन रहता है अगर सीट चेंज नहीं करवाते हो तो। अच्छा, ये अपना टॉप मॉडल का है तो उसके साथ ये ग्लॉसी में ही आता है। हाँ जी भैया। ठीक है, और अगर ना करवाए तो स्टूडियो फ्रेम चेंज करवा लो, उसमें भी ग्लॉसी हो जाएगा। उसका क्या अपना कॉस्टिंग बैठेगा? उसका कॉस्टिंग 2500 रुपया पड़ता है। अच्छा, और अपना ये इसका क्या कॉस्टिंग चल रहा है टॉप मॉडल का? 16,000 से लेके 22,000 तक है, 16,000 से लेके 22,000 तक, 18,000 से 20,000 में आपको अच्छा से अच्छा मिल जाएगा, नो लैग वगैरह कुछ ना हो, सब कुछ एप्पल कार प्ले ऑटो एंड्रॉइड सब कुछ रहेगा, 360 डिग्री कैमरा भी सपोर्ट करेगा कुछ। ठीक है भाई, ये बहुत बढ़िया बात बताया, जैसे कि आप देख सकते हो भाई प्रॉपर इसमें टॉप मॉडल की तरह बटन पूरा प्रॉपर जाएगा, और ये अपना पूरा ये देखो पूरा कंट्रोल होता है अपना स्टीयरिंग माउंट से भी। तो भाई अभी तो गाना चला नहीं सकते, और बाकी बेसिक इसमें कुछ अपना ऑडियो से रिलेटेड अभी नहीं हुआ, वही 4-5 दिन के बाद, वही 4-5 दिन के बाद होने वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। और भाई नीचे की तरफ आ जाते हैं थोड़ा, और ऐसे अपना सेंटर कंसोल जिसको बोलते हैं, ये भी पियानो ब्लैक करा सकते हैं, इसमें भी अपना वही हाइड्रो डिप पेंट और लाइफ टाइम वारंटी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है भाई, अपना आर्मरेस्ट भी आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले तो अपना पीछे से देख सकते हो भाई स्टिचिंग, स्टिचिंग नहीं मतलब जो साइड से होता ना भाई फिनिशिंग, वो चेक करो जरा एक बार। सॉफ्ट टच अपना फुल्ली रहता है, फुल्ली इसमें भी फोम लगाते हो ऊपर से, और इसे पहले फोम लगाते हो उसके बाद अपना कपड़ा चढ़ता है, उसके बगैर नहीं चढ़ाते कपड़ा ऐसे भाई, ये देख रहे हो भाई, ये तो भाई चीज है भाई। और भाई थोड़ा और अपना स्टीयरिंग की तरफ आ जाते हैं अपना पूरा भाई, तो स्टीयरिंग देख सकते हो भाई पूरा लेदराइट रैप हुआ है, और हैंड स्टिच रहने वाला है प्रॉपर। और अपना ये ऑडियो कंट्रोल से रिलेटेड लग गया, और अपना क्रूज कंट्रोल और MID से रिलेटेड लग चुका है भाई, जो कि प्रॉपर वर्किंग के साथ रहने वाला है भाई, ये देख सकते हो भाई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये देख रहा हूँ प्रॉपर वर्किंग के साथ है, बस क्रूज कंट्रोल नहीं चलेगा, क्रूज कंट्रोल नहीं चलेगा, MID वर्क करेगा, जो नीचे का बटन रहता है ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे चलाता है, वो यहाँ पे चलाता है भाई। एक बात बताओ, क्रूज कंट्रोल स्टार्ट करने का कुछ है, मतलब इन फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ECM से छिड़कानी होता है, ECM उतार उड़ से, तो Hyundai में हो जाता है भाई, पर Hyundai में और टाटा सब में की गाड़ी में आती है, सुजुकी में महिंद्रा में ऑप्शन ही नहीं आता, ऑप्शन ही नहीं आता, बाकी हो सकता था, हो सकता है भैया। ठीक है भाई, ये ऐसा कुछ रहने वाला है, और अपना ये मैं आपको बता देता हूँ भाई, हाँ एक चीज भूल गया भाई, इनका कॉस्टिंग तो बताओ, इनका कॉस्टिंग रहने वाला है भैया 5500 रुपया दोनों का स्टीयरिंग माउंट का। ठीक है भाई, तो भाई ये स्टीयरिंग माउंट अपने को मैं बताया था, अपने पास ग्लॉस है, ये XUV 700 के रहने वाले हैं जी भैया, और अपने पास मैट में भी अवेलेबल है, है अवेलेबल है हाँ जी। ठीक है भाई, तो ऐसा कुछ रहेगा भाई, अपना सामने से लुक ऐसा कुछ आएगा एकदम बढ़िया वाला। तो भाई सीट कवर और जरा चेक करवा देते भाई, चेक कर दीजिए,
सीट कवर का पूरा फिनिशिंग चेक कर लीजिए आप, एक भी रिंकल नहीं मिलेगा आपको भाई। ये देखो इसमें साड़े में पन्नी लगे हुए हैं, क्योंकि शोरूम से गाड़ी डायरेक्ट यहीं आई, अभी घर भी नहीं गई है, पूजा भी नहीं हुई है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, आज गाड़ी घर जा रही है, आज गाड़ी घर जा रही है। तो भाई ऐसा कुछ फिनिशिंग है देख लो। बाकी भाई मेरे को जितना लग रहा है थोड़ा सा ही कस्टमाइज वाला लग रहा है कस्टमर से। जी भैया कस्टमाइज सीट रहना है, डिफेंडर कपड़ा में रहने वाला है, ठीक है। 5 साल की इसकी गारंटी रहती है, पपड़ी उधरने, अब ब्लेड व्लेड मारते अलग की बात है, ठीक है, पपड़ी की और रिंकल की, रिंकल की वैसे रिंकल फ्री रहने वाला, आर्मरेस्ट भी आप चेक कर सकते। तो भाई ये अपने पास सीट कवर जैसे कि अपने कस्टमाइज कराया, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं भैया, कोई चार्ज एडिशनल कपड़ा आप चेंज करते हो उस पे चार्ज आपका बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। कस्टमाइज पहले करवाओ या बाद में कराओ उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी अपने पास सीट कवर क्या रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? 8,000 से स्टार्ट है भैया, 13,500 में आपको टॉप मॉडल वाला सीट मिल जाएगा जो कि एकदम बढ़िया रहता है। उसके बाद कस्टमाइज करवाते हो, कौन सा कपड़ा लेते हो आपके ऊपर डिपेंड, अपने ऊपर है। 15,000 से 16,000 मिनिमम, मतलब मैक्सिमम है भाई, इससे ऊपर आप खामिली में दे रहे हो एक तरह से। तो भाई मतलब कि ये सब काम हुआ है टोटल, और पीछे का फिनिशिंग जरा चेक कर सकते, पीछे भाई पॉलीथीन लग चुकी है, वरना तो इसका भी दिखाई देते। और भी अदर ब्रांड है अपने पास, 3,500 से 4,000 से स्टार्ट है, 3,500 से 4,000। जैसे कि भैया कस्टमर ने अपने फ्लोरिंग नहीं करवा रखी थी तो उसका फ्लोरिंग का क्या खर्चा बैठ जाएगा? फ्लोरिंग का कॉस्ट पड़ जाएगा भैया 3,500-4,500। 3,500-4,500 अलग अलग है इसमें जी। एक है 5 साल की गारंटी रहने वाली चेकमेट की, एक रेक्सिन वाली आती है जो हाथ से सिलाई होती है मार्केट में, वो वाली, वो थोड़ा लोकल पैटर्न हो गया, लोकल पैटर्न हो गया। वो जो आती है अपना चेकमेट वाली आती है, वो डाई करके ही आती है हर एक गाड़ी के साइज के हिसाब से। अच्छा, मतलब कोई कटिंग वटिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो और ऊपर अपना भाई देख सकते हो भाई, सनग्लास होल्डर जो होता है वो मिसिंग है, वो भी नेक्स्ट टाइम लगेगा, पर भाई सनग्लास होल्डर अपना पास महिंद्रा जेन्युइन अवेलेबल है, आपका मार्केट भी अवेलेबल है। और प्राइसिंग? प्राइसिंग आपको आफ्टर मार्केट 2,000 रुपया का, महिंद्रा जेन्युइन ले तो 4,000-4,500 के बीच में, अच्छा से अच्छा थोड़ा 100-200 ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए कोई मायने नहीं, 4,000 रुपये में मिल जाएगा, 4,000 रुपये में ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन, महिंद्रा जेन्युइन जिसमें सनरूफ का बटन रहेगा, सनरूफ का बटन रहेगा। बाकी अगर नहीं होगा तो आपने पहले ही बता दिया, वही होगा सिस्टम, ठीक है। तो भाई इतना सब कुछ काम कराएंगे, कुछ तो ऑफर दे दो भाई। एडोनेक्स लगा दिया भैया पीछे, एक फोर्ड एक्सपोर्ट लगा दिया, मेटफ्लैप लगा दिया, ये सब का कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं भैया। तो भाई फिर ये सही बात बता रहे हो एकदम, देख लो। तो भाई वीडियो फिर यहीं पे खत्म करते क्योंकि ऐसा सब कुछ काम हुआ था। बाकी एक बार जाते जाते कस्टमर से रिव्यू ले लेते और ये सारा काम वैसे होगा कहाँ पे? ऑटो ड्रीम कार एसोसिएशन करोलबाग। और भाई ऐसा कुछ बोर्ड रहने वाला है अपना।